हाय हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे मशरूम्स कितने अच्छे निकल आए हैं। पीनट्स देखिए, ये फर्स्ट क्रॉप है, फर्स्ट जनरेशन सीड्स का। तो देखिए कितने अच्छे मशरूम्स आए हैं। आप भी आपकी मशरूम फार्मिंग्स के हमें फ़ोटोज भेजिए कि आप भी किस तरह फार्मिंग कर रहे हैं मशरूम फार्मिंग। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो भी हमारे साथ वीडियोस में या कमेंट्स करके शेयर करिए, हम उनका सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। अच्छा लगा आपसे मिलके, और जुड़े रहिए हमेशा। ये कितने अच्छे मशरूम हैं आप देखिए, हमारी फार्मिंग में हम मशरूम फार्मिंग जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया मशरूम्स आ रहे हैं दोस्तों। और आप सबका ऐसे ही साथ हमारे साथ बना रहे, आपका प्यार और आपका साथ, इससे हमारे लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, पायलट मशरूम फार्म के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम एक नई बात देखने वाले हैं। कुछ मशरूम ग्रो दोस्तों से हमें रिसेंटली कुछ कमेंट्स फोटोज आए हैं कि सर हमें मशरूम फार्मिंग करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। यानी एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, बारिश का मौसम चालू है, हर तरफ बारिश है, फिर भी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, कहाँ उन्हें हम प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहे हैं। तो ये एक की प्रॉब्लम नहीं, ये सब लोगों की प्रॉब्लम है। तो अधिकतर लोगों में ये प्रॉब्लम आ रही थी शुरुआत में कि सर हमारे मशरूम के बैग्स अच्छे से वाइट नहीं हो रहे, बैग्स अच्छे से बन नहीं पा रहे हैं। वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई अभी। तो अभी ये प्रॉब्लम आ रही कि मशरूम पिनहेड्स जो है ये उग रहे हैं, तो जो बड़े होते हैं वो बड़े होते जाते हैं, जो छोटे वो छोटे रहते हैं। और दूसरी बात, यानी कुछ पिनहेड सूख रहे हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स पे आज हम बात करने वाले हैं। तो ये देखिए, आप देख रहे हैं कुछ यहाँ पे पिनहेड जो है वो सूख गए, येलो येलो कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सूख रहे हैं इसलिए ये ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, टेम्परेचर 28.4 डिग्री सेल्सियस है और ह्यूमिडिटी 99% है। इतना अच्छा टेम्परेचर है फिर भी मशरूम के पिनहेड सूख क्यों रहे हैं, ये सोचने वाली बात है ना। तो काफ़ी सारे मशरूम ग्रोवर्स ने हमें फोटोज़ वगैरह भेजे। ये देखिए, ये जो मशरूम है यहाँ पे बड़े बड़े मशरूम थे तो वो हमने तोड़ लिए, मगर उनके बीच कुछ ये छोटे मशरूम थे तो ये बड़े नहीं हो पाए। वह देखिए आप, कुछ और इनसे भी छोटे हैं पिनहेड्स आपको दिखाई दे रहे हैं मशरूम के, तो वो भी सूख गए, ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों आपको ध्यान देने की बात ये ज़रूरी है कि जब आप मशरूम की पॉलिथीन फाड़ते हैं और मशरूम पिनहेड्स आते हैं पूरे बैग को, तो इनमें जो पिनहेड्स बड़े हो जाते हैं और जो पिनहेड्स छोटे रहते हैं, जो पिनहेड्स बड़े हो जाते हैं वो तो बड़े होते जाते हैं क्योंकि इनके बीच कंपटीशन होता है कौन सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन बैग में से लेगा। तो जो बड़े होते हैं वो तो ज़्यादा खींचते अपनी ज़रूरत के हिसाब से, तो बड़े बड़े होते जाते हैं और जो छोटे वो छोटे रहते जाते हैं। अभी आपको क्या ध्यान देना है कि ये जो पिनहेड्स अच्छे से आए हैं वो सूखना नहीं चाहिए, इसलिए उसके बीच आपको ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर तो मेंटेन करना ही है। साथ में आपको मशरूम के जो पिनहेड्स हैं उनको दिन में से कम 3 बार या 4 बार पानी का स्प्रे देना है जिससे इनमें नमी बनी रहेगी। आपको पता है दोस्तों कि जैसे एक छोटा पेड़ होता है, जब पेड़ छोटा होता है तो उनको हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। एक बार वो बड़ा हो गया तो फिर उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर जब छोटा है तब तो ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है। तो दोस्तों यही है, काफ़ी सारे मशरूम ग्रोवर दोस्त जो है जब पिनहेड छोटे होते हैं तब उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। अगर हम छोटे होते हुए उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो वो सूख जाएंगे ना, इसलिए आपको ध्यान देना ज़रूरी है कि जब पिनहेड छोटे हैं तब उनको थोड़ा हल्का हल्का पानी का स्प्रे दीजिए, फिर वो देखिए कितने अच्छे आते हैं। देखिए ये दूसरा दिन है ये मशरूम पिनहेड्स का, और कितने अच्छे दिखाई दे रहे हैं, एकदम चारों तरफ और राउंड में एकदम बढ़िया पिनहेड्स आए हैं। और आज सेकंड डे इनका, कितने बढ़िया दिख रहे हैं, है क्या नहीं। तो इसी तरह दोस्तों ऐसा ही होता है कि जब आप इनकी देखभाल अच्छे से करेंगे तो इनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, काम भी अच्छा होगा। और साथ में आपको दोस्तों एक बात का ध्यान देना है कि आपको जो रूम का सीओटू है वो भी आपको फ्रेश एयर अंदर बाहर करना है, एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगा के, जिससे इनके रूम में सीओटू का लेवल कम रहे और इनको ऑक्सीजन भी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके फ्रेश एयर। और पानी की नमी तो बहुत आवश्यक है, एक बार दो दिन हो गए ख़त्म इनके, कि उसके बाद में इनको पानी के स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
ठीक है। आप देख रहे हैं दोस्तों, ये देखिए पॉलिथीन फाड़े हुए हैं, ये देखिए कैसे ड्राई सरफेस लग रहा है इनका, ये देखिए ये जो सरफेस है ना ये ड्राई ड्राई दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, ये सरफेस है ना इसको पानी का स्प्रे देना है, जिससे इसमें पानी की नमी बनी रहे। जब तक जैसे इसमें पानी की नमी बनी रहेगी तभी तो इसमें अच्छे पीनट्स आएंगे और हमें इसमें से अच्छे और बढ़िया मशरूम मिलेंगे। दोस्तों आप सबको यही बात का ध्यान देना है कि जैसे जो पीनट्स जो मशरूम बड़े हो जाते हैं वो बड़े होते जाते हैं और जो छोटे हैं वो छोटे रहते हैं। अगर आपको तोड़ना है तो पूरे एक साथ तोड़ें। अगर आप सोचते हैं कि बड़े वाले तोड़ेंगे और छोटे वाले रहने देंगे वैसे के वैसे, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जो छोटे हैं वो बड़े नहीं होने वाले, इसलिए आप उनको तभी के तभी तोड़ लीजिए। काफ़ी सारे मशरूम दोस्त हमें बोलते कि सर ये जो छोटे हैं ये बड़े नहीं हो रहे, ये अभी सूख गए हैं, गल रहे हैं। तो नहीं, ऐसा ऐसे फवारा वाला इनको स्प्रे दीजिए पीनट्स को, बहुत अच्छा इनको अच्छा लगता है, एकदम हल्का हल्का, ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, ज़्यादा प्रेशर से ये डैमेज हो सकते हैं। तो हल्का हल्का स्प्रे का प्रेशर चाहिए, एकदम फवारा जैसा, जैसे हम बालों को देते हैं, ये इनके लिए बहुत अच्छा रहता है और इनको सूट करता है। और कैसे दोस्तों, हमने यहाँ पे फॉगर सिस्टम नहीं लगाया है, क्योंकि काफ़ी दोस्त हमें बोलते हैं सर हमने फॉगर सिस्टम लगाया तो अच्छा नहीं होगा क्या। मगर आपको भी पता है दोस्तों, हर मशरूम की ज़रूरत पानी की अलग अलग होती है, किसी को ज़्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए, किसी को मध्यम चाहिए। तो आपने क्या, अगर फॉगर लगा दे तो सबको एक साथ पानी हो जाएगा और फिर क्या करेंगे आप। एक साथ पानी होने से कोई ख़राब हो सकता है, कोई क्या हो सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, खुद ही अपने हाथ से पानी देते हैं, जिससे हमारा प्लांट में ध्यान भी रहता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही है और हम उसको किस तरह टैकल कर सके। इसमें से सीख लेके, अगर ठीक है इस बार गलती होती है तो इसमें से सीख लेके हम अगली बार उसमें दुरुस्तियाँ करते हैं। तो दोस्तों आप सबको इस बात की ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आपका प्लांट, आपके मशरूम, आप जितना अच्छा मेंटेन करेंगे उतना अच्छा आपका प्रोडक्शन होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज का हमारा एपिसोड आपको कैसे लगा ज़रूर बताइए और लाइक ज़रूर करिए दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलते हैं कि हम और अच्छा और नया वीडियो बनाना चाहिए, आपको और ज़्यादा जानकारी देना चाहिए हमारे तरफ से। तो ठीक है दोस्तों, आज आपसे यही विदा लेते हैं। आपको कैसे लगा आपको कमेंट बनाए, अगर आपको और कुछ प्रॉब्लम हुए तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।